हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल और स्वागत करता हूं एक और नए व्लॉग में। और आप जानते हैं मैं हर बार करता हूं किसी एक खास स्थान की यात्रा। और आज जिस स्थान की यात्रा मैं आपको करवा रहा हूं वो है शाकंभरी माता का मंदिर। तो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं जर्नी को स्टार्ट बाय रोड कार से। तो शाकंभरी पहुंचने से पहले एक मोड़ आता है जहां पर फोटो क्लिक करने के लिए सभी रुकते हैं। यहां से बहुत ही अच्छा व्यू दिखता है पहाड़ों का और इसे सेल्फी पॉइंट भी कहा जाता है। ये है प्रवेश द्वार और प्रवेश द्वार पर विराजमान है गणेश भगवान। बहुत ही मनमोहक रंगों से इसे सजाया गया है। बहुत प्यारे रंग है ये, देखिए आप। और हम मंदिर में प्रवेश हो चुके हैं माँ शाकंभरी मंदिर के प्रांगण में। ये है मंदिर का शिखर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं माता के सिंह विराजमान है दोनों तरफ। और ये है शाकंभरी माता का मंदिर और आप देख सकते हैं कि और सामने विराजमान है माँ शाकंभरी ब्रह्माणी और रुद्राणी के रूप में। यहाँ पे चांदी का वर्क है पूरा यहाँ पर और अद्भुत श्रृंगार है। माता के दर्शन आप कर चुके हैं और माता का यहाँ पे भव्य मेला लगता है, वो हिंदी माह के चैत्र और आशोज में लगता है। और यहाँ पर 24 कोस की परिक्रमा के लिए भी लाखों लोग आते हैं। का सुंदर मिरर वर्क किया गया है, कांच के टुकड़ों से अद्भुत श्रृंगार है। आइए आपको परिक्रमा करवाते हैं। और यहाँ का स्थान काफी बदल चुका है। पहले भी मैं यहाँ दो बार आ चुका हूँ, अब यहाँ थर्ड टाइम आया हूँ। अब यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है, आगे बहुत ही भव्य और मंदिर को बढ़ाया जा रहा है। तो इसके बाद मैं आपको ले चलते हैं यहाँ पास बाबा जी के आश्रम में, जो कि ऊंचाई पर पहाड़ों पर बना हुआ है। और ये है सामने आश्रम का द्वार और इसका नाम है आत्म मुनि आश्रम सकराय धाम। Thank you.
तो यहाँ पहाड़ी पर चढ़ते चढ़ते थोड़ा थक गए हैं, तो रेस्ट कर लेते हैं थोड़ी देर, फिर करवाते हैं यहाँ के दर्शन। तो यहाँ बजरंग बली की प्रतिमा है और भोले बाबा विराजमान है, यहाँ पर गणेश जी और यहाँ माँ दुर्गा है। तो ये यहाँ के बाबा जी जो यहाँ तप करते थे। चलो दोस्तों, अब आपको बताता हूँ सकराय माता के बारे में, जिन्हें पहले सकराय माता या शंकरा माता भी कहा जाता था, जो बाद में कालांतर के बाद धीरे धीरे शाकंभरी माता कहलाने लगी। कथा के अनुसार ऐसा है कि जब देवताओं की शक्ति छिन्न हो गई थी, तो उस वक्त देवराज इंद्र ने यहाँ आके आराधना करी और साधना की थी माँ शाकंभरी की, तो इस वजह से उन्हें पुनः प्राप्ति हुई थी। और उसी वक्त जो अकाल भी पड़ गया था, वो भी 100 वर्षों के लिए, और इस भीषण अकाल की वजह से प्राणियों के सामने भोजन का संकट उत्पन्न हो गया था। तो उस समय देवी ने सकराय माता के रूप में अवतार लिया था, तो देवी के 100 नेत्रों के कारण उन्हें सप्ताक्षी भी कहा जाता है। जी हाँ, सप्ताक्षी मतलब 100 आँखों वाले, और जो देवी माँ के आंसुओं की धारा से ये इलाका जलमग्न हो गया और जो अकाल था उसका नाश हो गया, और यहाँ पर सत उत्पन्न हुआ, धन धन अनाज के रूप में उत्पन्न हुआ, और इसी वजह से प्राणियों का जीवन सुखमय हो गया। तो माता रानी की कृपा से फिर से सब ठीक हो गया, तो इस वजह से सकराय माता कहलाई थी और उनकी यहाँ पे स्थिति की जाती है, और ब्रह्माणी और रुद्राणी के रूप में यहाँ विराजमान होती है। और साथ ही यहाँ जो प्रतिमा निकली थी, वो भी दोनों प्रतिमाओं के बीच विराजमान है, और यहाँ उल्लू की प्रतिमा भी यहाँ विराजमान है, जिसे घाघर देव कहा जाता है, जो सबके दर्शन के लिए यहाँ उपलब्ध नहीं होती है, बट यहाँ विराजमान है। तो इसके अलावा एक और कथा भी है यहाँ की, जो कि महाभारत काल की, जिसके अनुसार पांडव यहाँ घूम रहे थे अज्ञातवास के दौरान, जैसे लोहागर में भी कुछ दिन बिताया था, तो उसी के पास ये स्थान है। तो पांडव यहाँ आए थे, तो धर्मराज युधिष्ठिर जो है, उन्होंने माता की स्थापना शर्करा माता के रूप में की थी, और उनको माता से वरदान मिला था, तो इस वजह से सकराय माता यहाँ पर कहलाई थी। तो ये 2 कथाएं हैं जो सकराय माता से जुड़ी हुई है, जो कि आपको मैंने बताई है। और जो ये मंदिर है यहाँ का, तो इसकी जो सेवा है वो नाथ संप्रदाय जो है वो संभाल रहे हैं काफी सालों से।
तो दोस्तों आज का व्लॉग यहीं तक। तो जो लोग मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर करें अपने डियर और नियर फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये जगह कैसी लगी। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।